का दूध और उसके बाद इसी से हम बनाएंगे टोफू। क्या है तो ये हमने सोयाबीन लिया है जो मैंने पूरी रात के लिए भिगो दी थी, ये एक पाव सोयाबीन है। अब मैं इसके दानों को मसल के इसके छिलकों को अलग कर लूँगी। इस तरीके से हम पहले हाथ से सारी दाल को कर लेंगे जिससे इसके छिलके अलग हो जाएं। आप देख सकते हैं कि छिलके कुछ ऊपर आ गए हैं, इन्हें हम धीरे धीरे करके ऐसे करके निकालते रहेंगे। हमने अपनी सारी दाल पे से छिकल उतार लिए हैं और अगर थोड़े वो छिकल रह जाते हैं उससे कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने ये छिकल अलग कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्सी में पानी डाल के एकदम बारीक पेस्ट बना लूँगी और फिर इसे गर्म करके फिर आपको पीस के फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी सारी सोयाबीन की जो दाल थी उसे पीस लिया है। अब इसमें हम आधे लीटर से ज़्यादा पानी डालेंगे और इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। और जब तक हम इसे गर्म करेंगे इसे चलाते रहेंगे। हम इसे छोड़ना मतलब एक एक दो दो मिनट के बीच में आपको इसे चलाना है जिससे जिसके अंदर पल्प है वो नीचे चिपके ना। गैस ऑन कर दिया और अपना ये जो सोयाबीन वाला दूध है इसे कवर में भी रख दिया है। इसे हम चलाते हुए बनाते जाएंगे, गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं ये आधा गर्म होने लग गया, इसके ऊपर ऐसे झाग बनने लगे हैं। इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, जब ये अच्छी तरह से खदकने लग जाएगा तो ये झाग हट जाएंगे। और मैंने इसमें दो इलायची डाल दी है क्योंकि जो सोयाबीन की महक होती है वो थोड़ी तीखी सी होती है और इसमें इलायची डालने से वो महक थोड़ी कम हो जाएगी। हमारा ये गर्म हो चुका है और मैंने इस गलती से छोटा पतीला ले लिया। अगर आप इसको बनाते तो इसके लिए आपको बड़ा पतीला चाहिए, नहीं तो ये फार्मर के ऊपर आता है, इसलिए मुझे बार बार कंटिन्यू से चलाना पड़ रहा है। अब इसे गैस को कर देंगे हम बंद, फिर इसे इसको छानेंगे। हमने एक पतीला ले लिया, पतीले के ऊपर छन्नी रख दी है, उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है जिसमें हम इसे छानेंगे। हमने अपना सारा सोयाबीन का जो दूध बनाया था छान लिया। आप देख सकते हैं इसमें से ये पल्प बचा है, इसे भी हम अच्छी तरह से नचोड़ लेंगे। उसके बाद आप इसे आटे में मिला सकते हैं, परांठों के अंदर भर के बना सकते हैं। इसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है, इसे आप फेंके नहीं। आप देख सकते हैं हमारा ये दूध तैयार है टोफू का। अब हम इसे जग में डालेंगे। हमारा सोयाबीन का दूध बनके तैयार है। ये एक पाव सोयाबीन में एक लीटर से ज़्यादा दूध बनके तैयार है। अभी इसी दूध से मैं टोफू बनाऊंगी। इसे मैं दोबारा से गर्म करके और फिर उसे फाड़ने के लिए मैंने दो नींबू लिए हैं, इन दो नींबू से मैं इसे फाड़ूंगी। अब इस दूध को हम इसमें डाल रहे हैं। दूध हमारा हल्का तो गर्म है ही, हमें थोड़ा सा हल्का और गर्म करना है। और जब तक हम अपने नींबू नचोड़ लेते हैं, हमने अपने दो नींबू नचोड़ लिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और हमारा यहाँ पर दूध दोबारा से गर्म हो चुका है हल्का सा। अब इसमें हम धीरे धीरे करके अपना नींबू ऐड करते जाएंगे। हमारा सोयाबीन का टोफू भी बनके तैयार है। ये मैंने थोड़ा सा लाल रंग के उसमें कपड़े में लगा दिए थे, इसमें थोड़ा हल्का सा लाल कलर आ गया है। इसे साइड से हम ऐसे कट कर लेंगे और फिर आप जितने बड़े चाहें उतने बड़े पीस करके आप इसको, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। स्पंज भी देख सकते हैं, पनीर की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्नैक्स वगैरह में, और चाहे तो आप अपने बच्चों को इसमें काला नमक डाल के भी खिलाएंगे, ये बहुत हेल्दी होता है। और जो सोयाबीन का जो बाकी का पल्प था जो मैंने, अब ये भी मैंने अच्छी तरह से इसे नचोड़ लिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा हो चुका है। इसमें आप मसाले भर डाल के और अपने परांठे बना सकते हैं या फिर आपको रोटी वगैरह बनानी है उसके अंदर भी आप इसको मिक्स करके, ये बहुत हेल्दी होता है, मिक्सी रोटी वगैरह भी बन सकते हैं इससे, आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको कट करके प्लेट में लगा के फिर से दिखाती हूँ। मैंने इसके पीस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इतने, आपकी मर्ज़ी है आप कितने बड़े पीस लेना चाहें, मैंने इतने बड़े बड़े पीस किए हैं। आप चाहे तो इसे सब्ज़ी में इस्तेमाल, स्नैक्स में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर आप जैसे इसे छानते हैं उस टाइम इसमें हल्का सा नमक भी डाल देंगे तो इसका जो एक खारापन सा है जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता वो खाने में भी अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।